हाय दोस्तों, मैं सुजाता। दोस्तों, ये सी टेट के लिए मैं हिंदी से क्वेश्चन लाई हूँ, तो ये आप वीडियो पूरा देखिए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल पर जुड़ो। मैं सी टेट के लिए रोज़ एक वीडियो डालती हूँ, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो। सारे सब्जेक्ट की डालती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें ये है कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। तो इसमें देखिए कौन सा प्रश्न है जो बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा, और ये ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन ये है कि लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, और दूसरा ऑप्शन है यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, तीसरा ऑप्शन है कि लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, और चौथा है कि आजकल आम का दाम कितना है। तो आप लोग इसमें से सोचिए कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है जिसमें बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन हो। तो देखिए, इसमें पहला है कि लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, तो मतलब लड़की कुछ बताए ही नहीं, ठीक है। और लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, ये भी नहीं है। और देखिए दूसरा ऑप्शन जो है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है तो इसमें बच्चा क्या करेगा, बोलेगा। जब बोलेगा तो इसमें उसके भाषा क्षमता का आकलन भी हो जाएगा। तो यानी इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता कौन सी है। तो इसमें बताएं कौन सी है। इसमें देखिए आपका ऑप्शन सी सही है, अफेजिया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो डिसग्राफिया होती है ये लिखने के लिए होती है, तो ग्राफ से आप समझिएगा लिखना। और डिसकैलकुलिया जो होती है, कैलकुलिया मतलब हो गया आपका कैलकुलेशन, यानी मैथ, यानी कि गणित विकार, गणित संबंधी विकार। और डिसलेक्सिया जो होती है ये पढ़ने संबंधी विकार होती है। तो ये इसी में से, चारों में से कोई ना कोई आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर, सी टेट या टेट की एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। इसका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आना तो निश्चित ही है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में आ जाए, पर आएगा ज़रूर। उसके बाद है पढ़ने का आरंभ। तो देखिए, पढ़ने का आरंभ वर्णमाला से होना चाहिए, या कविताओं से होना चाहिए, या कहानियों से होना चाहिए, या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो देखिए, सी टेट में तो यही बात होती है कि आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे, और देखिए इसमें भी आपको चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, बट इसमें सही आपका होगा ऑप्शन डी, यानी अर्थपूर्ण, यानी अर्थपूर्ण रहे सामग्री, यानी बच्चे उसका अर्थ समझे, वो उससे स्टार्ट होनी चाहिए। ये आपका तीन क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। तो क्या मूल उद्देश्य है, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, या बच्चों की को अनुशासन में रखना, या बच्चों को मनोरंजन करना। तो देख बताएं इसमें से क्या होगा सही। तो देखिए, इसमें भी आपको लग रहा है कि चारों सही है, बट सही नहीं है। इसमें ऑप्शन ए सही है, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। देखिए, अगर हम लोग छोटे रहते हैं, जब हम लोग को नानी दादी वगैरह कहानियाँ बताती हैं, मम्मी उम्मी, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो कहानी को इमेजिन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि आगे क्या होने वाला है, मतलब आपको पूरा दिखने लगेगा उस कहानी में। तो इससे क्या हो रहा है, इससे बच्चों में कल्पना शक्ति यानी सोचने का उसका विकास हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का ये मूल उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक स्तर पर अधिकांशता बच्चे पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं बताएं, लयपूर्ण कविताएं, छोटी कविताएं, या वीररस की कविताएं, या नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविताएं। तो देखिए, बच्चे जो हैं वीररस के बारे में तो जानेंगे नहीं, छोटी कविताएं उनको इतना मतलब है नहीं, छोटी कविताएं से कोई वो नहीं, नैतिक मूल्य वाला भी नहीं ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, लयपूर्ण कविताएं। लयपूर्ण कविताएं बच्चे गाकर करेंगे तो वह ज़्यादा पसंद करते हैं। छोटे बच्चों को अगर कोई कविता दे दीजिए याद करने को, तो वो उसको अगर उनसे कहेंगे कि आप गा के याद करो बेटा, तो वो गाकर बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन आपका ये सही होगा कि बच्चे जो हैं प्राथमिक स्तर पर पसंद करते हैं लयपूर्ण कविताएं। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे कही या लिखी गई बात को शब्द का या लिख सकें, अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, या कही या लिखी गई बात का आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। तो बताएं इसमें से कौन सा सही है। हिंदी भाषा के संदर्भ में मुख्य उद्देश्य है ये, महत्वपूर्ण उद्देश्य। तो देखिए, इसमें आपका
ऑप्शन डी सही है, कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव अलग होती है, समान हो सकती है या सदैव समान होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है, तो इसमें से बताएं कौन सा सही है। दोस्तों अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर मेरे चैनल से जुड़ो, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। और वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। और ये 15 क्वेश्चन है, ठीक है, 15 क्वेश्चन में आप भी देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है, तो इसमें बताएं कौन सा सही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी सही है, समान हो सकती है, ठीक है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है और सदैव अलग नहीं हो सकती, सदैव समान नहीं होती बट समान हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, देखिएगा भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, तो ये तो सही है, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सही है ये भी, क्योंकि भाषा कौशल जो है देखिए सुनना बोलना पढ़ना लिखना यही चार होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित हैं, ये भी सही है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ये गलत है, क्योंकि देखिए पहला लिखा है एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, हाँ लाइन से होता है, ये नहीं है, और ऑप्शन डी आपका इसमें गलत है, तो अब इसमें ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, तो बताएं इसमें से कौन सा नहीं है। भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों के अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना या प्रश्नों के उत्तर को सरलता से हासिल करवाना, तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही है, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना ये उद्देश्य नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है लिखना, बताइए इसमें से लिखना क्या है, लिखना क्या है, इसमें से ऑप्शन देखें और बताएं। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही है, एक तरह की बातचीत है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है, तो बताएं क्या तरीका सर्वाधिक उचित है। तो इसमें सबसे देखिए उचित तरीका यह है कि बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए, ठीक है, भाषा आकलन के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, चित्र वर्णन करने का और प्रश्न पूछने का भी अवसर देना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन मुख्य आधार क्यों होना चाहिए, तो इसमें बताएं कौन सा सही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी सही है, रोचक विषय वस्तु। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 13, 14, 15 देख लेते हैं, ये 3 क्वेश्चन लास्ट है ये। भाषा सीखने में व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है, तो क्या बल देता है, तो अनुकरण जो है वो बल देता है भाषा सीखने के व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसमें पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः है, तो बताएं क्या है। पढ़ने में तो आगे मैंने बताया था आपको पढ़ने संबंधी विकार कौन सा था, तो पढ़ने संबंधी विकार है आपका ऑप्शन सी डिसलेक्सिया, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और डिसग्राफिया किसका है, तो डिसग्राफिया आपके लिखने संबंधी है, ग्राफ से आप समझिएगा लिखना, ठीक है। अब चलते हैं ये लास्ट क्वेश्चन 15, वाइगोत्स्की के विचार पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, तो किस पे सबसे अधिक बल दिया जाता है, इनके अनुसार वाइगोत्स्की के अनुसार परस्पर अंतःक्रिया, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और दोस्तों ये टोटल 15 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए, आप बताइएगा 15 में से आपका कितना सही हुआ। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।